दोस्तों रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी यानी कि साइंस, साइंस के अंतर्गत जीव विज्ञान बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी हो या एएलपी की हो, रेलवे भर्ती बोर्ड की जो भी वैकेंसीज चल रही हैं, इन सभी के लिए साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हमारा वीडियो है प्रैक्टिस सेट टू है हमारा, वन हो चुका जिसमें हमने कम्बाइंड रखा था ग्रुप डी और एएलपी के लिए, सभी सब्जेक्ट उसमें रखे थे, जीके भी था उसमें, जीके भी था और साइंस भी था और मैथ्स भी थी, रीजनिंग भी थी। और यह मेरा सेकंड प्रैक्टिस सेट है, इसमें मैंने केवल बायोलॉजी के क्वेश्चन रखे हुए, बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में आते हैं, अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं, इसमें भी पूछे जाने की जिनकी संभावना बहुत ज़्यादा है, उन्हीं प्रश्नों को मैंने इसमें रखा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को आप एक टेस्ट की तरह ले सकते हैं और इसमें 15 प्रश्न है, 15 प्रश्न मैं पहले पढ़ूंगा, बाद में उसके उत्तर बताऊंगा और आप इसको हमारे साथ साथ करते जाइए, देखिए आपके कितने प्रश्न इसमें सही होते हैं। तो दोस्तों जैसा कि पिछले वीडियो मैंने किया था, वीडियो के शुरू होने के टाइम पर ही एक मैं प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर मैं आपको नहीं बताऊंगा, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है जिससे कि पता चल सके आप कितने सीरियस हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। यह है आज का प्रश्न, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन है हमारे पास हुमायूं, अकबर, बाबर और शाहजहां। हुमायूं, अकबर, बाबर और शाहजहां, इनमें से जो भी सही आंसर है उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है जिससे कि मुझे पता चल सके कि आप लोग कितने सीरियस हैं ग्रुप डी को और एएलपी को लेके। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत आते हैं हमारे, हर वीडियो में आपको इस तरह का एक दो क्वेश्चन मिलेगा। तो दोस्तों अब वीडियो शुरू करते हैं, साइंस का वीडियो, बायोलॉजी का वीडियो। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लार ग्रंथि, थायराइड, यकृत और अमाशय। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से सही उत्तर है यकृत। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला प्रश्न, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? ए एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन। सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर है वो है रिलैक्सिन, सी ऑप्शन जो दिया हुआ है रिलैक्सिन, ये इसका सही आंसर है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम, थायराइड, सेरिबेलम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है, मनुष्य में जो ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है वो सेरिब्रम से होता है, सेरिब्रम, ए ऑप्शन जो है ये सेरिब्रम, ये सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर में जो हमारा जो ताप होता है वो कहाँ से नियंत्रण होता है, शरीर के किस पार्ट से नियंत्रण उसका होता है? स्पाइनल कार्ड, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ट्यूब से। तो इसका जो आंसर है वो है हाइपोथैलेमस, यहाँ से नियंत्रण होता है। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? हमारा अगला क्वेश्चन, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? कूटपात से, कोशिका मुख से, सीलिया से, गुदा द्वार से। तो इसका सही आंसर है कूटपात से। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? लार में पेप्सिन, ट्रेप्सिन, साइलिन, काइमोट्रिप्सिन। यह क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ तक कि पीसीएस के लेवल में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो इसका आंसर आप जान लीजिए, टाइलिन, टाइलिन इसका सही आंसर है। एंजाइम लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम है टाइलिन। अगला प्रश्न, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता तथा छोड़ता है वह क्या है? सांस लेता है तथा सांस छोड़ता है, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? श्वसन, स्वच्छोत, वास, प्रसवन, निस्वन, इसको बोलते हैं स्वच्छोत वास, ये इसका सही आंसर है, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिका किसका प्रयोग करती है? अमीनो अम्ल का, ग्लूकोज का, वसा अम्ल का, सुक्रोज का, इनमें से किसका प्रयोग करती है? तो सही आंसर है इसका ग्लूकोज, ग्लूकोज का प्रयोग करती है कोशिका, जो है ग्लूकोज का प्रयोग करती है ऊर्जा उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न है,
किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण की कोशिकाओं में पहुंचता है? किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? किण्वन, विसरण, दहन, प्रकाश संश्लेषण। इनमें से सही आंसर जो है वो विसरण है। विसरण उत्तर जो है इसका सही है। अगला प्रश्न है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? विघटन, दहन, परिवर्तन, संश्लेषण। इसमें से क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है विघटन। विघटन से श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति होती है। अगला प्रश्न, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज, प्रोटीन। तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो है सुक्रोज। अगला प्रश्न, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 90/60, 120/80, 200/130, 140/160। तो इसका सही आंसर दोस्तों है 120/180। जो बीपी होती है, जो बीपी के पेशेंट होते हैं, अगर ये 120 से ऊपर होगा या 120 से ऊपर प्लस 80 से ऊपर अपर साइड में होता हो तो हाई बीपी के पेशेंट माने जाते हैं, लोअर साइड होता है तो लो बीपी के पेशेंट माने जाते हैं। अगर इतना रहता है तो उसको नॉर्मल बीपी मानते हैं, ब्लड प्रेशर इनका नॉर्मल है। अगला प्रश्न दोस्तों, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है? पियामीटर, मीटर, ड्यूरामीटर, एरेक्नॉइड। इनमें से कौन सी बाहरी झिल्ली होती है? बाहरी झिल्ली जो होती है दोस्तों वो होती है ड्यूरामीटर। ऑप्शन सी आंसर सही है, ड्यूरामीटर इसका इसका नाम है। अगला प्रश्न, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। ये सब क्वेश्चंस दोस्तों बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स में भी आते हैं, छोटे एग्जाम्स में भी आते हैं। सूंघने की क्षमता जहाँ तक तो मुझे याद पड़ रहा है, एक बार पीसीएस में भी ये पूछा गया है और छोटे मोटे सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ऑप्टिक फॉली, घ्राणेन्द्रिय पाली, सेरिब्रम, इनमें से कोई नहीं। तो सूंघने की जो क्षमता नियंत्रित करता है वो घ्राणेन्द्रिय पाली के द्वारा होता है। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है? बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है? सेरिबेलम है, हाइपोथैलेमस है, सेरिब्रम है, स्पाइनल कॉर्ड है। इनमें से सही आंसर जो है वो सेरिब्रम है। सेरिब्रम जो होता है ये बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। तो दोस्तों इसके साथ ही हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमसे जुड़ सकते हैं यूट्यूब पे, हमारा चैनल रेसिपी स्मार्ट क्लासेस के नाम से। आप रेसिपी स्मार्ट क्लासेस को YouTube में सर्च कर सकते हैं और इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वीडियो के द्वारा नीचे आपको एक रेड कलर का एक टैब दिखाई देगा जिसमें सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको आप सब क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों टेलीग्राम पे हमारा सीपी स्मार्ट क्लासेस का नाम से हम टेलीग्राम पर भी हैं। और दोस्तों हमारे वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, शेयर कीजिए जिससे उनको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके। अगले वीडियो के साथ दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद और नमस्कार।